ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। तो अकॉर्डिंग टू डिविजन्स ऑफ द सेल्स एंड देयर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस, द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। यानी कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बेसिक एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स। हमारे एनवायरनमेंट में सेल्स के डिविजन्स के अकॉर्डिंग, उनके बेसिक स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग सेल्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन-कौन? प्रोकैरियोटिक्स, जिसको प्रिमिटिव सेल के नाम से जाना जाता है, और यूकैरियोटिक्स, जिसको एडवांस टाइप सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि टू टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट एट दैट टाइम। प्रोकैरियोटिक्स दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक दैट इज कॉल्ड एडवांस टाइप ऑफ सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे सबसे पहले कि प्रोकैरियोटिक्स क्या होता है और यूकैरियोटिक्स क्या होता है, और व्हाई प्रोकैरियोटिक्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल एंड यूकैरियोटिक्स आर कॉल्ड एडवांस टाइप ऑफ सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, वन बाय वन। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोकैरियोटिक्स के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? हम इसका डायग्राम भी बना के आपको समझाते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टूडेंट्स हम आपको बताते चले। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पहले समझिए प्रोकैरियोटिक्स के बारे में। इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियर मटेरियल इज naked lies in cytoplasm and no special membrane which is separates cytoplasm and nuclear material। यानी कि अगर एक लाइन में इसको बोला जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर रीजन नहीं पाया जाता। यानी कि इसमें लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता तो न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ से होगा, वो नहीं दिखता है। साइटोप्लाज्म के अंदर अगर इम्बेडेड भी होगा तो हमारी खुली आंखों से नहीं दिख सकता। यानी कि अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल इज दैट टाइप ऑफ सेल व्हिच हैव लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियर मटेरियल्स क्या होता है, अगर होता नहीं होता है, लेकिन अगर होता भी है तो साइटोप्लाज्म के अंदर एकदम डिजॉल्व होता है जो हमारी नेकेड आई से नहीं दिख सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें न्यूक्लियोलस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो और सिंपल में देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल इज दैट टाइप ऑफ सेल इन विच ऑर्गेनिज्म के अंदर इस सेल के अंदर न्यूक्लियस रीजन होता ही नहीं है। क्या होता है, न्यूक्लियस रीजन होता ही नहीं है, कोई स्पेशल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर रीजन को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। अगर इसमें न्यूक्लियर मटेरियल थोड़ा सा होता भी है तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो इतना ना डिजॉल्व रहता है कि हमारी नेकेड आई से नहीं दिख सकता। यानी कि इसके न्यूक्लियर रीजन अगर होते भी है तो कहां, साइटोप्लाज्म के अंदर इम्बेडेड होते हैं। यानी कि वह सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर रीजन को वेल डिफाइंड नहीं किया जा सके, जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स ही नहीं हो, जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं हो, न्यूक्लियोलस नहीं हो, और अगर न्यूक्लियस मटेरियल हो भी तो साइटोप्लाज्म के अंदर वो इतना ना डिजॉल्व हो कि हमारी नेकेड आई से नहीं दिख सके, दैट्स टाइप ऑफ सेल इज नोन एज क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। सिंपल में प्रोकैरियोटिक सेल वह सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर रीजंस डिफाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई इसके पास स्पेशल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। बट यूकैरियोटिक सेल इज इज अ एडवांस टाइप ऑफ सेल। व्हाई यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एडवांस टाइप ऑफ सेल, बिकॉज इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस मटेरियल इज वेल डिफाइंड एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन विद सेपरेट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस मटेरियल्स टू इच अदर। यानी कि बात की जाए यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मटेरियल होते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रीजन पाए जाते हैं, इसमें एक स्पेशल मेम्ब्रेन होता है जो साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियर रीजन को एक दूसरे से सेपरेट करने में मदद करता है। यानी कि अगर दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो यूकैरियोटिक सेल इज दैट टाइप ऑफ सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, सारे न्यूक्लियस मटेरियल क्या होते हैं, वेल रूप से प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम नेकेड आई से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात रही इनके डायग्राम की, हम इनका डायग्राम भी दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा हम बता दें कि प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल क्यों कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनरली साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो ये क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस रीजन नहीं पाया जाता, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है इसके अंदर। क्रोमोजोन इसके अंदर क्या होता है, सिंगल होता है। वेरियस ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यही रीजन है कि प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल के नाम से जाना जाता है। बट
यूकेरियोटिक सेल को एडवांस टाइप ऑफ सेल क्यों बोला जाता है? यूकेरियोटिक सेल को एडवांस टाइप ऑफ सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी साइज जनरली क्या होती है, लार्जर होती है। ये रिप्रोडक्शन कर सकता है सेक्सुअली भी और एसेक्सुअल्स भी। इसके पास क्रोमोसोम सिंगल नहीं, मोर देन टू, इससे मतलब कि एक से अधिक इसके अंदर से क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मटेरियल, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस रीजंस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, इसमें हम सेल ऑर्गेनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यही रीजन है कि यूकेरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक्स के कंपेयर में एडवांस टाइप ऑफ सेल के नाम से बोला गया और प्रोकैरियोटिक सेल को यूकेरियोटिक सेल के कंपेयर में प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल के नाम से क्या किया गया, जाना गया। अगर बात की जाए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल, अगर कोई अगर हमसे पूछे कि क्या बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल में, तो हम आपके स्टूडेंट्स बताते चले कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक्स और यूकेरियोटिक्स के बारे में